झगड़ा निकाल लिया। पेशवा जी और मैंने से कितनी बार मना किया है, अपने हाथ में तोड़ लेगा। विश्वास रहो तो पानीपत में काम आ गए, अगर ऐसे कुछ हो गया तो गद्दी पर कौन बैठेगा। प्रणाम श्रीमन। मेरा नाम पांडवात्र है, कावजी पवार के दस्ते में था। अच्छा, हमें पहचानते हो? श्रीमन पेशवाजी महाराज के पुत्र और होने वाले पेशवाजी को कौन नहीं जानता। आप क्या करते हो? सरदार महाजी सिंधिया जी के साथ में हूं। जब वो पानीपत से जख्मी होकर लौट रहे थे। पानीपत? हाँ, पानीपत। हम जानते हैं वहां सिंधिया खानदान का बहुत नुकसान हुआ। हमारे बड़े भाई विश्वास राव और हमारे चाचा सदाशिव राव भाऊ वीर गति को प्राप्त हुए। कहाँ है महात्मा? उज्जैन में है। अब उन्होंने एक लश्कर भी तैयार किया है, उन्हीं के साथ। अब तो वो घुड़सवारी भी कर लेते हैं, शिकार भी कर लेते हैं। फिर खुद पुणे क्यों नहीं आए? कैसे आ सकते थे श्रीमंत? अब पहले उन्हें दरबार बुलाया जाएगा सफाई देने के लिए। इसलिए श्रीमंत पेशवाजी महाराज से विनती करने आया हूं। फिर क्यों नहीं की? वो बीमार हैं, अच्छे हो जाएंगे तो कर लूंगा। श्रीमान जरूर अच्छे हो जाएंगे जल्द। जानते हैं क्या हो रहा है वहां? पंडितों का युद्ध चल रहा है। शास्त्रार्थ हो रहे हैं कि आप कब गद्दी पर बैठे हैं, यानी गद्दी कब तक खाली रह सकती है नक्षत्रों की आड़ लेकर। जब ज्योतिष की चौपड़ पर कौड़ियां फेंकी जाएं तो उन्हें रोकने के लिए कोई ना हो, नहीं चाहता मैं। पंडितों से ताजपोशी की शुभ घड़ी 6 महीने बाद की निकलवाई जा सकती है। शंका पैदा की जा सकती है कि आपका गद्दी पर बैठना शुभ नहीं है। परम आदरणीय प्रजा पालक, प्रजा रक्षक, अति उदार, विशाल हृदय श्रीमंत माधवराव श्री पेशवाजी महाराज दरबार में पधार रहे हैं। पेशवाजी महाराज की, पेशवाजी महाराज की, पेशवाजी महाराज की। आप लोग विराजिए। श्रीमंत, दरबार की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दीजिए। इजाजत है। श्रीमंत, आपकी तख्त नशीनी के बाद पेशवा दरबार के सरदार आपकी सेवा में कुछ नजराने पेश करना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं चाहेंगे। काका साहब, अभी हम छोटे हैं, आप सब हमसे बड़े हैं। आप तो हमारे काका जी हैं, पूजनीय हैं। हम आपको और आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहते। आपके नजराने कबूल, हमें तो आपकी वफादारी और आपका आशीर्वाद चाहिए। पेशवाजी महाराज की, पेशवाजी महाराज की, पेशवाजी महाराज की, पेशवाजी महाराज की। श्रीमंत की कीर्ति सूर्य की तरह चमके। आज हमारा पहला दरबार है। हम चाहते हैं जिसको जो फरियाद करनी हो वो कर सकता है।
आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? श्रीमंत, मैं अपने स्वामी महाजी सिंधिया का दूत हूं। मेरा नाम अंबाजी इंगले है। मैं उनकी तरफ से बधाई और नजराने पेश करना चाहता हूं। पांडव अत्रे क्यों नहीं आए? श्रीमंत, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने महाजी सिंधिया की इजाजत से मुझे यहां भेजा है। अब महाजी सिंधिया सेनापति नहीं है, इसलिए उनका नजराना कबूल नहीं किया जा सकता। तुम भी उनके दूत नहीं माने जा सकते। तो फिर श्रीमंत पेशवाजी महाराज से मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे एक फरियादी माना जाए और मेरी फरियाद सुनी जाए। माना, बोलो। स्वर्गवासी पेशवाजी महाराज की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो। बड़े न्यायी थे, इसलिए उन्होंने मेरे स्वामी से सिर्फ उस वक्त तक के लिए अधिकार लिए थे जब तक कि वो स्वयं आकर ये न बता दें कि पानीपत की लड़ाई के बाद इतने महीने वो कहां रहे, उनकी सेवा में हाजिर क्यों नहीं हुए। हम जानते हैं श्रीमंत, मेरे स्वामी घायल होने के बाद अब ठीक हो गए हैं और अब ऐसी अवस्था में हैं कि स्वयं हाजिर होकर ये सिद्ध कर सके कि वो विश्वास और सम्मान दोनों के अधिकारी हैं। ये बहस करने का अवसर नहीं है अंबाजी इंगले, ये श्रीमंत पेशवाजी के तख्त नशीनी का दरबार है और आज ये दरबार श्रीमंत पेशवाजी के दर्शनों और उनके प्रति निष्ठा दिखाने के लिए है। ये छोटी छोटी बातें उठाने के लिए नहीं, तुम्हें दरबार की जाब्तों और उसकी मर्यादा का कुछ ख्याल होना चाहिए। सत्य वचन श्रीमंत, दरबार में कभी भी कोई बात किसी अनजाने आदमी की मार्फत नहीं उठाई जा सकती। फिर यह मामला विरासत का है श्रीमंत। कोई और है जिसने महाजी के खिलाफ वारिस होने का दावा किया? श्रीमंत, कोई भी मराठा इतना खुदगर्ज और लालची नहीं है कि जिस वक्त पूरा महाराष्ट्र हमारे भाव और आपके पिता के शोक में डूबा हुआ है और आज जब आपके सम्मान में नतमस्तक है, अपने छोटे निजी स्वार्थ की बात भी सोच सके। श्रीमंत, आज का दरबार मराठा राज्य के भाग्य और भविष्य के संधि स्थल पर खड़ा है। कल ही हम पर दुखों का पहाड़ टूटा था, लेकिन आज हम आपकी ओर देख रहे हैं और जब हम आपकी ओर देख रहे हैं तो निजाम हैदराबाद हमारे राज्य की ओर बुरी निगाह से देख रहा है। हम उसे देखेंगे या इस मामले पर गौर करेंगे? सबका एक ही विचार है, हमने आपकी फरियाद सुन ली, हम जरूर ध्यान देंगे, लेकिन आज नहीं। ऐसा हमारे दरबार का फैसला है।